हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत खाना। आज की एकदम मजेदार रेसिपी है जिसका नाम है दही वड़े। कई लोग उसको दही बल्ला भी बोलते हैं और कई लोग उसको दही गुजिया भी बोलते हैं। आज हम जिस तरह से बनाने जा रहे हैं वो है नॉट स्पेशल उड़द दाल के दही बल्ले, जो स्पेशली उड़द दाल से ही बनाए जाते हैं। और अगर आप इसको और नॉर्मल तरीके से बनाना चाहते हैं, बोले तो इजी तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप मूंग की दाल की भी बना सकते हैं। उसका रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल में डाल चुका हूँ उड़द दाल के दही वड़े का, तो आप वो भी देख सकते हैं। बट आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से दही वड़े बनाने जा रहे हैं, जो उड़द दाल से बनते हैं। और इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप इसको झटपट तरीके से बना सकते हैं और कोई भी इसमें ज़्यादा मजकमरी भी नहीं है। और ये दही वड़े चाट में आते हैं। आप अगर दिल्ली, आगरा, मथुरा साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये दही वड़े मिलेंगे। और इसमें मिलने वाली जो चटनी होती है वो सौंठ की चटनी होती है, जो सारी चटनियों से एकदम अलग होती है। हलवाई स्टाइल की हम चटनी की रेसिपी इस वीडियो में डालेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप दही वड़े की एक्सपर्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दही वड़े होते हैं वो चाट का एक मेन हिस्सा होता है। जहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं वहाँ पे दही वड़े जरूर मिलते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में कई तरह तरह के दही वड़े बनाए जाते हैं, बट हम आज नॉर्थ स्पेशल बना रहे हैं, जो होली, दिवाली, रक्षाबंधन पे बनाए जाते हैं। और ये वही दही वड़े हैं और वही चटनी है जिसको आप शादी में एंजॉय करते हैं। और एक और बात, ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है। और आपका अनुभव इस वीडियो को देखने के बाद कैसा रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना इस रेसिपी का। चलिए ये मजेदार रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए हमने ली है उड़द दाल। इसको हमने 7 से 8 घंटे अच्छे से भिंगो के रखा है। इसको भींगते समय हमने इसको पहले अच्छे से धोया है। धोने के बाद इसके ऊपर पानी हमने 1.5 इंच रखकर इसको अच्छे से भींगने दिया है। और जब ये दाल भींग जाए, बोले तो अच्छे से फूल जाए, फिर उसके बाद अब वो जो पानी है उसको आप ड्रेन कर दीजिए, बोले तो बहा दीजिए। और नए पानी से इसको 2-3 बार अच्छे से धोने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका, तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते समय हमने जो दाल के अंदर जो पानी था उसको सब कुछ हमने निकाल दिया था, बट हमने दाल को ग्राइंडर में डालने से पहले उसके अंदर 4-5 चम्मच हमने पानी एक्स्ट्रा डाला था, जैसे इसका स्मूथ पेस्ट बन सके और गाढ़ा पेस्ट बन सके। और ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको गाढ़ा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। और हमने लिया है 400 ग्राम दही। देखिए, घर की बात है तो दही में आप कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि ये दही बड़े हैं। इसमें आप जितना अच्छे तरीके से दही का इस्तेमाल करेंगे उतना ही दही बड़े को खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए हमने दही लिया है 400 ग्राम, और इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। और इस दही को फेंटते समय मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी थी, आप देख सकते हैं। और ये मैंने पिसी हुई जो चीनी है वो 100 ग्राम ली है। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं। 400 ग्राम दही में 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। इससे क्या होता है, जो दही का जो टेस्ट होता है वो निकल कर आता है। और अगर आपका दही खट्टा भी हो जाए, थोड़ा लॉन्ग टाइम आप रखते हैं फ्रिज के अंदर, हल्का सा दही खट्टा भी हो जाए तो उसका खटास जो है जिसको आप सर्व करेंगे उसको मालूम नहीं पड़ेगी। दही में चीनी डालने का यही एक फ़ायदा होता है, और टेस्ट भी बढ़ता है और उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ भी जाती है। और हाँ, अगर आप मीठा कम चाहते हैं तो आप मीठा कम कर सकते हैं, और इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बोले तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मीठा नहीं डालें दही में तो वो भी चलेगा, क्योंकि हम उसके ऊपर सौंठ डालेंगे तो ऑटोमेटिक इसका स्वीटनेस जो है थोड़ा बढ़ भी जाएगा। बट जो ओरिजिनल तरीका है उसके अंदर दही में थोड़ा सा मीठा पड़ता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने ली है 2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। और पारंपरिक तरीके से हमारे दही बड़े बन रहे हैं तो उसमें डलने वाली चटनी भी एकदम पारंपरिक वाली होनी चाहिए, बोलते हैं ऑथेंटिक चटनी होनी चाहिए, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं। और इस सॉल्ट को बनाने के लिए हमने लिया है गुड़। गुड़ आप ब्राउन कलर का लें वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये हमने लिया है 400 ग्राम। इससे हमारी सॉल्ट बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सॉल्ट बनती है। अगर आप इसकी फुल रेसिपी देखना चाहते हैं एकदम डिटेल में, तो मैंने अपने ऑलरेडी चैनल में डाल चुका हूँ हलवाई स्टाइल सॉल्ट की चटनी बनाने की। इसमें भी हम चटनी की रेसिपी डाल रहे हैं, जैसे आपको एकदम मालूम पड़े कि ये सॉल्ट की रेसिपी कैसे बनती है। इसको बनाना काफ़ी आसान होता है। इसको आप प्रिजर्व करके एक कांच की शीशी में फ्रिज में 6 से 7 महीने तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बल्क में बना लेते हैं। ये कई सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे पकौड़े बनाए या फिर भल्ले बनाए या फिर आपने दही वड़े बनाए, कई तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठों के साथ भी खा सकते हैं। इसकी जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं इस चटनी के, सौंठ के, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम इसमें पारंपरिक तरीके से यूज़ होने वाली जो चटनी है भल्लों में, दही वड़ों में, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। और सॉल्ट में डलेगी लाल मिर्च पाउडर, ये हमने 1/2 छोटी चम्मच लिया है। 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ जीरा। इसके कहने का, सॉल्ट में जब ये डल जाता है तो उसका जो स्वाद होता है नेक्स्ट लेवल हो जाता है। पिसा हुआ आमचूर पाउडर, ये हमने 1.5 चम्मच यूज़ कर रहे हैं। इसके डलने से सॉल्ट में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, जो हल्की सी खटास को बढ़ा देता है। बोले तो चटनी में खट्टा मीठे का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एकदम अच्छा सा कर देता है। और हमने लिया है सॉल्ट, बोले तो ड्राई जिंजर पाउडर, ये 1 से 1.5 चम्मच है। 2 से 3 चम्मच किशमिश, इससे हमारी सॉल्ट में एक रॉयल टच आ जाता है।
और दही वड़े में ऊपर से डालने के लिए हरी चटनी, ये ऑप्शनल है। अगर आपको हरी चटनी नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें, अगर पसंद है तो थोड़ी सी हरी चटनी जरूर डालें। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल में डाल चुका हूँ, मैं चाहता था ये रेसिपी इसके अंदर डालूँ बट मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। ये चटनी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देखें जरूर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उड़द दाल के बैटर को हम एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे, उसके अंदर हम 2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से फेंट देंगे चम्मच की मदद से, अगर आप हाथ से करना चाहते हो तो हाथ से भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा हमें कितना मोटा इसको पीसना है। और इसी उड़द दाल के हमारे मेंदू बड़े भी बनते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं अगर मैं मेंदू बड़े की रेसिपी डालूं तो इस वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक्स हो जानी चाहिए तब मैं मेंदू बड़े की रेसिपी डाल दूंगा। प्लीज़ यार इतने सारे सब्सक्राइबर, कम से कम जो भी देखता है प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब देखिए हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और उसको हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने देते हैं, जैसे ये नमक को सोख कर ले और अच्छे से फ्लफी हो जाए, क्योंकि ये दाल है और ये पानी भी ज़्यादा पीती है। अगर आप ये अगर आपका ये जो मिक्सचर है अगर गाढ़ा भी हो जाता है तो 2-4 चम्मच आप एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको फिर से फेंट सकते हैं, और इसके अंदर कोई सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम इसकी जो चटनी है दही वड़ों की सौंठ उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो सौंठ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, इतना बड़ा हम वैसे ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो उसके अंदर पानी डाल के भी बना सकते हैं। हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और फ्लेम हमने लोअर कर रखी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सौंठ, इसको हम टॉस कर लेते हैं, खटाई, और ऊपर से हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हम थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं जैसे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब ऊपर से डालेंगे हम नमक, इसके अंदर हमने 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सादा नमक मिक्स कर दिया है, ये देखिए इस तरह से, और इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है, इसको भी हम टॉस कर लेते हैं, और फ्लेम हमने लो रख रखी है। और जब आप वेसल के अंदर जब भी आप मसाले पकाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मसाले नीचे से जल्दी पक जाते हैं, तो हमें जो भी इसके अंदर कार्रवाई करनी है फटाफट करनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गुड़, ये हमने गुड़ डाल दिया है, और ऊपर से हम डालेंगे इसके अंदर पानी, 1 ग्लास हमने इसके अंदर पानी डाला है सॉल्ट बनाने के लिए। अब इसको हम इसी के अंदर मेल्ट होने देंगे गुड़ को, इस पानी के साथ ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और इसको हम रख देते हैं साइड में क्योंकि सॉल्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसकी आपको डिटेल रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एकदम डिटेल में अच्छे से सॉल्ट बनाने की रेसिपी मैंने डाली है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और हम ऊपर से इसके अंदर जीरे को भी डाल देते हैं, जीरा हमें ऊपर से डालना है क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ है, नहीं तो ये जल जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और गुड़ को मैंने मोटा मोटा छोड़ दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ जैसे जैसे ये बॉइल्ड होगा पानी, और जैसे जैसे पानी जो है बॉइल होगा बोले तो गर्म होगा और जो गुड़ है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम छोटे छोटे पीस करें। ऐसे हमने अखा डाल दिया, हलवाई लोग ऐसे ही डाल देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं दूसरी गैस पर और कढ़ाई ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपने दही वड़ों के वड़े को सेकेंगे। अब देखिए हमने जो दूसरी गैस पे सौंठ रख दी है वो अच्छे से तेज़ आंच में पक रही है, और इस गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हमने इतना ऑयल डाल दिया जैसे हमारे वड़े अच्छे से सेक सके डूब के। और आप लोग सोच रहे हो कि हमने किशमिश नहीं डाली है सौंठ में, हमने अभी किशमिश इसलिए नहीं डाली है, अगर हम इसी टाइम किशमिश डाल देंगे तो वो फूल के फट भी सकती है, जब ये सौंठ हमारी बन के गाढ़ी तैयार हो जाएगी तब हम इसके ऊपर से किशमिश इसके अंदर डाल देंगे। और हमारा तेल गर्म भी हो गया है तो अब हम इसके एक एक करके वड़े निकालते हैं। और वड़े निकालने से पहले आप क्या करें, एक कटोरी के अंदर आप पानी ले लीजिए, क्योंकि ये दाल जो होती है चिपचिपी होती है, हाथ में चिपक जाती है, अगर आप पानी का इस्तेमाल करके इस तरह से डालेंगे तो आप आसानी से वड़ों को निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखा दूँगा, ये देखिए अब हमने हाथ को भिंगो लिया है, अब हम वड़े के अंदर हाथ डालेंगे, बोले तो वड़े के मैटर में हम हाथ डालेंगे, देखिए कितनी आसानी से निकल रहा, और एक एक करके हम इसको तेल में छोड़ते जाएंगे। मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया है हाथ से किस तरह से निकाल सकते हैं, बट मैं हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, चम्मच को आप एक बार इसके अंदर डुबो दें और ऐसे करके निकालने के बाद इस तरह से एक छोटा सा वड़े का शेप देकर इस तरह से और चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। और फिर से आप जब आपकी चम्मच फ्री हो जाए फिर से आप पानी में इसको डिप करिए, पानी में डिप करने के बाद
फिर से एक छोटा सा निकाल लीजिए, जितना बड़ा आपको वड़े रखने हैं। ये आसान तरीका है, मैं चम्मच का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे कैमरा भी ऑपरेट करना पड़ता है और सब कुछ ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप हाथ से एक्सपर्ट हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो चम्मच एकदम ईजी वे है वड़ों को निकालने का। ऐसे ही हम एक एक करके सारे वड़े निकाल लेते हैं। और जब तक आपके जो वड़े सिक रहे हैं तब तक आप क्या करें, एक भगोनी ले लीजिए, पर बोले तो कोई भी वैसे ले लीजिए। इसके अंदर आप अच्छे से पानी डाल दीजिए और 4 से 5 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दीजिए, अच्छे से घोल लीजिए। जब हम वड़े जब सिक जाएंगे तब हम सारे वड़े डायरेक्ट इसी भगोनी के अंदर डाल देंगे, जैसे ही अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए, स्पंजी हो जाए और दही को भी अच्छे से पी लेंगे। अब हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको हम साइड में रख देते हैं। और हाँ, एक और बात, जितने बड़े आपको चाहिए, बोलो तो आपको करंट में अभी यूज़ करने, बोलो तो 2-3 घंटे में आपको यूज़ करने हैं, उतने बड़े आप इस नॉर्मल पानी में रख दीजिए, नमक वाले पानी में। अगर आप चाहते हैं कि इन बड़ों को आप शाम को यूज़ करना चाहते हैं या फिर अगले दिन 2 दिन के बाद यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जब इन बड़ों को आप निकाल लीजिए साइड में प्लेट में, फिर उसको आप ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए एयर टाइट कंटेनर में। जब आपको यूज़ करना है तब आप गर्म पानी कीजिए, उसके अंदर नमक डालिए, फिर इन बड़ों को उसके अंदर डाल दीजिए, तब ये अच्छे से स्पंजी हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे, बोले तो अच्छे से पानी पी जाएंगे। पानी पीने से, स्पंजी करने से क्या होगा, जैसे हमारा जो दही है वो अच्छे से इसके अंदर बैठ जाए और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट लगे। और आप देख सकते हैं कितने फूले फूले हमारे बड़े बन रहे हैं। ना तो हमने इसके अंदर सोडा डाला है, और इसको हमने डालते समय इन बड़ों को हाई और मीडियम फ्लेम के बीच में हमने इसको रखा था, और सेकते समय हम इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे। जैसे ही हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे वैसे हम इसको निकालेंगे, हमें एकदम पकौड़ों की तरह सुर्ख लाल नहीं करना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको निकाल के सीधा पानी में डाल देंगे इंस्टेंट, तो एकदम से ये फूल भी आएंगे, सूज जाएंगे। आप देखेंगे इसका जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा। अब देखिए हमारे जो वड़े हैं हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं सेकना है हमें, नहीं तो उसकी आउटर शेल जो है कड़क हो जाएगी, जो पानी अच्छे से पीगी नहीं। इसको हम पहले एक स्टील की प्लेट में निकाल लें। निकालते ही हम इसको इस पानी में डाल देंगे, और बाकी का जो बैटर बचा है उसको हम सारे बड़े निकाल लेते हैं। अब देखिए बचे हुए बैटर के मैंने बड़े बड़े जो है बड़े मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि लास्ट का बैटर बचा हुआ था तो इसलिए मैंने थोड़ा साइज़ बड़े के इसके निकाल लिए हैं बड़े। अब इसको मैं ठंडे होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दूंगा, और जब मेरे को यूज़ होगा दही बड़े बनाने का तो मैं क्या करूँगा, इन बड़ों को निकालूंगा, गर्म पानी में डालूंगा और उनको स्पंज करके फिर से मैं दही बड़े बना लूँगा, जैसे मैंने आपको पहले आगे बताया है। और हमारी जो सौंठ है वो भी रेडी हो चुकी है, ये देखिए एकदम गाढ़ी सौंठ जो है बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह का हमें टेक्स्चर चाहिए, और ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी, जब आप फ्रिज में रख देंगे फिर और गाढ़ी हो जाएगी। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे थोड़ा सा डाइल्यूट करिए पानी के साथ, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस सौंठ को भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और हमारे ये जो वड़े हैं वो फूल के अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम दही वड़े लगा लेते हैं, और सौंठ हमारी पहले से ऑलरेडी तैयार है, मेरे पास फ्रिज में रखी रहती है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी थी जो अच्छे से पक चुकी है। लास्ट का जो उबाला आता है, जैसे हम गैस बंद करने वाले हैं 30 सेकंड के बाद, तो हम उससे पहले इसके अंदर किशमिश डाल दिए। तो चलिए हमारे जो दही वड़े हैं उसको हम सर्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारे जो वड़े हैं अच्छे से भीग चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं, और इसका मैंने हाथ से दबा के पानी निकाल चुका हूँ। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने के लिए हमने क्या क्या रख रखा है आपको बता देता हूँ। ये हमारी सौंठ है, ये देखिए इस तरह से गाढ़ी सौंठ होती है ये, और ये काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और ये है भुना हुआ जीरा, सूखी लाल मिर्च, डेगी मिर्च, हरी धनिया की चटनी, नमक, बस। और इसके ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे हलवाई होते थे, जो आगरा साइड के और मथुरा साइड के जो हलवाई होते थे, पुराने हलवाइयों की बताता हूँ। पहले क्या करते थे, एक डोना लेते थे, जैसे हमने बोला कि हमें एक प्लेट बड़ा चाहिए, तो सबसे पहले इस पर एक सरफेस बिछाते थे दही की डोने पे, इस तरह से फैला दिया करते थे। फिर उसके ऊपर ये लोग वड़े डालते थे जितनी आपको ज़रूरत हो। इसमें हमारे 4-5 वड़े आ जा रहे हैं आराम से। फिर इसके ऊपर से फिर से एक और लेयर दही की, इस तरह से, क्या लाजवाब लग रहे हैं। आप चाहे तो डोने का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने हलवा प्लेट ली है इसको डेकोरेट करने के लिए, और इसी तरह से आप सर्व कीजिए।
बोला था आपके जो वड़े हैं एकदम छुप जाने चाहिए दही में, मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आपने इसके अंदर वड़े हो। अब ऊपर से हम डालेंगे सौंठ हल्के हाथ से इस तरह से, ये देखिए क्या लाजवाब लग रहे हैं। किस किस को ये देखकर मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइए मेरे को। आपके हिसाब से इसके अंदर सौंठ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से डालेंगे हम भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा नमक। तो लीजिए हमारे दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर हरी धनिया की चटनी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है, तो हमने नहीं डाली है क्योंकि मेरे को थोड़ा तीखा पसंद नहीं है। ऐसे ही दही बड़े जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, आप इसको अपने घर पर ज़रूर बनाइए। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये दही बड़े की रेसिपी। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए, मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।